बच्चे का जो होल है वो खुलेगा एंड आगे जाके बच्चे को सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी। तीन या चार टॉयलेट्स का वेट करेंगे कि तीन या चार टॉयलेट्स बच्चा कर ले और डायपर भारी हो जाए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से बेबी बॉय के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको क्लीन किया जाए। तो उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसको हम अच्छी तरीके से हमें हमेशा क्लीन रखना चाहिए, हाइजीन लेवल्स हमेशा मेंटेन रखने चाहिए, जिससे कि बच्चे को यूटीआई, यूरिनरी इन्फेक्शन जैसी बीमारियां ना हो। सो आज इस वीडियो में हम ये सारी बातें जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप बेबी को डायपर पहना रहे हैं, लंगोट पहना रहे हैं, जैसे बच्चा छोटा होता है वो 10 से 12 बार टॉयलेट करता है, तो हमेशा जब भी बच्चे ने सूसू की है तो उसका जो प्राइवेट पार्ट है यानी कि उसका जो सूसू करने की जगह है उसको या तो आप वेट वाइप से या फिर हल्के गीले ल्यूक वार्म गीले कपड़े से उस एरिए को हमेशा पोंछें। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आपको सिंपल आप डायपर बनाते हैं तो बच्चे को गीले डायपर में नहीं रखें। अगर उसने एक भी सुसु डायपर में किया है तो तुरंत उस डायपर को चेंज करके और आपको फेंकना है। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा तीन या चार टॉयलेट्स का वेट करेंगे कि तीन या चार टॉयलेट्स बच्चा कर ले और डायपर भारी हो जाए फिर उसके बाद में मैं डायपर चेंज करूँगी, ये हाइजीन लेवल्स बच्चे के बिल्कुल नहीं इस तरीके से आपको फॉलो करने हैं। बेस्ट तो ये रहेगा कि आप हल्का सा ल्यूकवॉर्म वाटर लें, उसमें अपना जो टॉवल है बच्चे की उसको लें, उसको निचोड़ें और उसके बाद में उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो कम्प्लीटली क्लीन करें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब जो बच्चे की जो पीनिस होती है यानी कि जो उस वाले पार्ट को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हल्का सा उसको पानी से आप क्लीन कर दें। जो उसकी फोर स्किन होती है, फोर स्किन को नीचे करके जो पिंक स्किन आती है उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब भी बच्चा टॉयलेट करता है तो आप उसमें या तो पानी हल्का सा छिड़क दें, और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है और आप डायपर पहना रहे हैं तो उसको हल्के गीले कपड़े से ल्यूकवॉर्म में पानी हल्का कुनकुना पानी से कपड़ा लिया, उसको गीला किया एंड देन फिर उस पार्ट को आपने क्लीन कर दिया। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप बच्चे को नहलाने के लिए ले जाते हैं, अब हल्का ल्यूकवॉर्म, बहुत तेज़ गर्म पानी नहीं, ल्यूकवॉर्म वाटर हल्का कुनकुने पानी से एक पूरा डब्बा लीजिए एंड देन फिर उसके बाद में उस जो एरिया है, जो होल है पिंक स्किन के अंदर, आपको जो एक होल दिखेगा उसमें आप पानी डाल दीजिए और पानी की पतली पतली धार डालिए, जिससे कि जो एरिया है एक तो वो क्लीन होगा, साथ साथ में जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनका जो सूसू का जो मुंह होता है वो थोड़ा सा बंद होता है और उस तरीके से जो सूसू का जो होल होगा वो भी खुलेगा, तो उससे होल भी खुलेगा और साथ साथ में जो गंदगी होती है, बार बार टॉयलेट बच्चा जाता है, वो चीज़ भी साफ़ रहेगी और बच्चे के हाइजीन लेवल्स डेफिनेटली मेंटेन रहेंगे। पानी गिराने का जो तरीका है आप उसको करते रहेंगे तो बच्चे का जो होल है वो खुलेगा एंड आगे जाके बच्चे को सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी। जो नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे कि आपने बच्चे को लंगोट पहना दिया, एयरी ढीले ढाले कपड़े पहनाइए जिससे कि जो प्राइवेट पार्ट है उसमें नमी ना हो, हमें नमी अवॉइड करनी है क्योंकि अगर नमी अवॉइड होगी तो बच्चे को फंगल इन्फेक्शन होने के या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ढीले ढाले कपड़े पहनाने, बहुत ज़्यादा टाइट चड्डियाँ, लंगोट, डायपर नहीं पहनाना है, लूज़ पहनाइए जिससे कि एयरी हो, ब्रेथेबल हो, कि हवा जो है वो प्राइवेट पार्ट तक पहुँचे। तो ये हाइजीन लेवल आपको मेंटेन करना है। जब भी आप बच्चा सूसू करे, पॉटी करे, हमेशा पीछे आगे की तरफ से उसको क्लीन करना है, देन फिर उसके बाद में सूखे कपड़े से उस एरिया को पोंछ देना है। गीला या नमी नहीं रहनी चाहिए उस एरिया में। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें बच्चों के हाइजीन लेवल्स को मेंटेन रखना है और स्पेशली बेबी बॉयज़ के प्राइवेट पार्ट को हम क्लीन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपने साथ मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अपने ज़रूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।